सभी मीडिया के मित्रों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर असेंबली के इलेक्शन के संदर्भ में जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, जिसे बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र कहा है, भारतीय जनता पार्टी ने यह ऐलान किया है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस के बाद जम्मू कश्मीर के अलग अलग डिपार्टमेंटों में जितने भी काम कर रहे हमारे डेली वेजर्स भाई बहन हैं, पीएचई डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल, बिजली डिपार्टमेंट, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ साथ एजुकेशन या जितने भी डिपार्टमेंटों के अंदर काम करने वाले हमारे डेली वेजर्स भाई बहन हैं, उनकी रेगुलराइजेशन पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में उसका ऐलान किया है। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में रहबरे खेत, रहबरे जंगलात, एनवाईसी, होम गार्ड्स, एसपीओस, आंगनवाड़ी की हमारी बहनें, आशा वर्कर्स हमारी बहनें, एनएचएम में काम करने वाले हमारे भाई बहन, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर काम करने वाले सीआईसी ऑपरेटर्स, हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम करने वाले हमारे अस्थाई कर्मचारी डेली वेजर्स, इन सब की समस्याओं का समाधान भारतीय जनता पार्टी करेगी। खुद देश के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह साहब ने यह ऐलान कर दिया है कि जम्मू कश्मीर के चुनावों के बाद जम्मू कश्मीर में सरकार बनते ही भारतीय जनता पार्टी पहली कैबिनेट मीटिंग में जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स और तमाम डिपार्टमेंटों के अस्थाई कर्मचारी जो एडहॉक बेसिस टेम्परेरी बेसिस पर काम करते हैं, जिनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है, जिनकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुई है, ऐसे तमाम जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंटों में काम करने वाले हमारे डेली वेजर्स भाई बहन हैं, इनकी रेगुलराइजेशन पॉलिसी को भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में लागू करेगी। यह बहुत पुरानी मांग जो पूरे जम्मू कश्मीर की जो हमारे अस्थाई कर्मचारी डेली वेजर्स की रही है, उसको भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में सबसे बड़ी प्रायोरिटी के रूप में शामिल किया है। मैं माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स और तमाम डिपार्टमेंटों के अंदर काम करने वाले हमारे भाई बहनों के हित में एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही साथ अमित शाह साहब ने यह ऐलान किया है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में जिसको बड़ी प्रायोरिटी के साथ सामने रखा गया है कि 6,000 रुपया हर किसान को, काश्तकार को सालाना मोदी हुकूमत देती है, उसमें जम्मू कश्मीर में बीजेपी की हुकूमत 4,000 रुपया जोड़कर सालाना 10,000 रुपया किसानों को जो है अनुदान देगी। साथ ही साथ जो 1,000 रुपया गरीब लोगों को पेंशन आती है उसको हम 3,000 तक बढ़ाएंगे। आयुष्मान भारत 5,00,000 हेल्थ कार्ड जो मोदी साहब एक साल में हर शख्स को जम्मू कश्मीर में 5,00,000 है उसको बढ़ाकर हम 7,00,000 करेंगे। अग्निवीर जो ट्रेनिंग करके सेना में जाते हैं उनका 20% कोटा जम्मू कश्मीर में नौकरियों में होगा। और साथ ही साथ अमित शाह साहब ने साफ कर दिया है
कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ऐलान किया था कि जम्मू कश्मीर की रिजर्वेशन को वो रिव्यू करेंगे, एनसी और कांग्रेस ने कहा है अपने मैनिफेस्टो में कि वो एससी एसटी ओबीसी पहाड़ी कबीले की रिजर्वेशन को रिव्यू करेंगे, अर्थात एनसी कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि अगर उनकी सरकार आती है तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब गुज्जर बकरवाल पहाड़ी कबीला ओबीसी इनकी रिजर्वेशन को खत्म करने की कोशिश और साजिश एनसी कर रही है। अमित शाह साहब ने साफ किया है कि एनसी और कांग्रेस की यह साजिश बीजेपी कभी कामयाब नहीं होने देगी और जो जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन गरीब लोगों को है वो जारी रहेगी, उसमें कोई बदलाव हम नहीं होने देंगे। और साथ ही साथ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और एनसी और कांग्रेस ने ऐलान किया है उनके मैनिफेस्टो में कि अगर गलती से उनकी सरकार आती है तो एनसी ने कहा है कि वो आतंकवादियों को कैदियों को जेल से रिहा करेंगे, एनसी के और कांग्रेस के इस मंसूबे को हम कामयाब नहीं होने देंगे। जम्मू कश्मीर ने पिछले 35 सालों में लाखों बेगुनाह लोगों को कत्ल होते देखा है, बेगुनाहों में हमारे कश्मीरी मुसलमान भाई बहन हैं, जम्मू के हमारे बेगुनाह भाई बहन हैं। गोली ये नहीं देखती कि कोई हिंदू है मुसलमान है सिख है कश्मीरी है या डोगरा है गुजर बकरवाल है या पहाड़ी कबीले का है, गोली तो इंसानों का इंसानियत का कत्ल करती है। और जो लोग बॉर्डर के उस पार से बंदूकें लेकर जिन्होंने यहां जम्मू और कश्मीर में कब्रिस्तान बनाए शमशान बनाए, एनसी कहती है कि हम उन लोगों को जेलों से रिहा करेंगे और सड़कों पर खुला छोड़ेंगे। अमित शाह साहब ने साफ कर दिया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस एजेंडे को हम यहां लागू नहीं होने देंगे। जम्मू कश्मीर में अमन शांति खुशहाली के लिए और जम्मू कश्मीर के भाईचारे के लिए भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास इस मिशन के साथ काम करेगी। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई गुर्जर बकरवाल पहाड़ी कबीला जाट कम्युनिटी के हमारे भाई बहन, एससी कम्युनिटी के दलित समाज के भाई बहन, ओबीसी कम्युनिटी सबका ख्याल भारतीय जनता पार्टी रखेगी। बीजेपी का मिशन है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। और आज जो ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में किया है ये बीजेपी का संकल्प पत्र है। जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस के बाद सरकार बनते ही जम्मू कश्मीर में ये सारे फैसले हम लागू करेंगे। बीजेपी का ऐलान बीजेपी का मैनिफेस्टो जम्मू कश्मीर के 1,40,00,000 लोगों के लिए हम सबके खिदमतदार हैं, हम सबकी डेवलपमेंट करेंगे, गांव हो शहर हो बॉर्डर हो पहाड़ हो मैदान हो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको साथ लेकर एक मिशन के साथ काम करेंगे, अमन शांति खुशहाली और जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। ये मिशन भारतीय जनता पार्टी का है और जिसका ऐलान हमारे मुल्क के होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब ने आज किया है। मैं दिल की गहराइयों से प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का और होम मिनिस्टर अमित शाह साहब का शुक्रिया अदा करता हूं जो उन्होंने बड़ा ऐलान अपने मैनिफेस्टो में किया है। 25 पॉइंट जो जम्मू कश्मीर की खुशहाली के लिए आज बीजेपी ने जिनका ऐलान किया है ये जम्मू कश्मीर की तकदीर और तस्वीर बदलने वाले फैसले हैं। ये जम्मू कश्मीर की गरीब मस्कीन और ज़ईफ़ों के लिए अहम और लाजमी फैसले हैं जिनका ऐलान बीजेपी ने किया है। सबसे बड़ा फैसला जो डेली वेजर्स के लिए कि सरकार बनते ही असेंबली इलेक्शंस के बाद डेली वेजर्स का मामला उनकी रेगुलराइजेशन का मामला एनवाईसी होम गार्ड्स एसपीओस वीडीसीज के मामले हल किए जाएंगे, रेबरे खेल उनका पे बैंड ठीक करके उनको
परमानेंट रेगुलराइज किया जाएगा। रेबरे जंगलात को 5 साल का टर्म पूरा होने पर रेगुलराइज किया जाएगा। तमाम डिपार्टमेंटों में काम करने वाले जितने हमारे डेली वेजर्स अस्थाई कर्मचारी हैं उनके हित में बीजेपी ने फैसला लिया है। मैं मोदी साहब का और अमित शाह साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं।